नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, मैं अभी खड़ा हूँ जो हमारे गांव के पास से नहर गुजरती है उसका ये एंडिंग पॉइंट है, यानी कि यहाँ पे आके नहर ख़त्म हो जाती है। तो ये एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है झुंझुनू सीकर खेतरी वाटर परियोजना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बड़े बड़े ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं और इसके अंदर काफ़ी बड़े बड़े पानी के डैम बने हुए हैं। हालांकि आज मैं यहाँ पे आया था तो एंट्री नहीं हो पाई क्योंकि यहाँ पे कोई स्टाफ है नहीं, इस वजह से इसके अंदर एंट्री नहीं हो पाएगी। और सामने आप देख सकते हो, ये देखो यहाँ पे पानी जाके फिल्टर होके और बड़े बड़े डैम बने हुए हैं उनमें जाता है और उसके बाद यहाँ पे मोटरें लगी हुई है काफ़ी सारी। तो ये तारानगर सिटी है तो कुछ पानी यहाँ पे दो मोटरें जो है वो तारानगर के लिए पानी की सप्लाई देती है। इसके अलावा जो है इसका पानी आगे मलसिसर डैम वगैरह में भी जाता है। तो काफ़ी बड़ी बड़ी मोटरें हैं। मैं इसके अंदर एक बार गया था तो लगभग मेरी हाइट जितनी, यानी कि ये गाड़ी है इसकी हाइट इतनी है, तो इतनी बड़ी बड़ी मोटरें हैं जो कि इतनी बड़ी बड़ी जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। और ये देख सकते हो सामने काफ़ी बड़ा सा ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। तो इसकी जो इलेक्ट्रिसिटी की लाइन है वो भी अलग ही आती है बिल्कुल, ये देखो। तो ये एक प्रकार से इस राजस्थान कनाल का एंडिंग पॉइंट है, मतलब राजस्थान कनाल का नहीं है क्योंकि राजस्थान कनाल तो काफ़ी दूर तक जाती है, लेकिन ये जो लिफ्ट है इसका ये एंडिंग पॉइंट है। इसके आगे ये नहर कम्प्लीटली ख़त्म हो जाती है। यहाँ से पानी सिर्फ पीने के लिए काम में लिया जाता है। ये इसका बोर्ड लगा हुआ प्रोजेक्ट का नाम है झुंझुनू वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट पैकेज, क्योंकि ये जो पानी है ये पीने के लिए आगे दिया जाता है। यहाँ से फिल्टर वगैरह हो जाता है और उसके बाद कम्प्लीटली ये जो पानी है पीने के लिए। तो अभी नहर में ज़्यादा पानी है नहीं, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, ऑलमोस्ट ये खाली चल रही है। अदरवाइज़ ये पूरी भरके भी चलती है, अभी सिंचाई वगैरह पीछे की साइड में चल रही है, इस वजह से पानी वहाँ पर ज़्यादा है नहीं। तो ये इस प्रकार से इसकी दोस्तों सिंचाई होती है। तो यहाँ पे मैं आ जाया था देखने के लिए कि क्या कुछ यहाँ पे नया हुआ है, क्योंकि इससे आगे भी इस नहर का डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है और ये नहर काफ़ी ज़्यादा ब्रांचेज में आगे की ओर बढ़ेगी। तो अभी तो इसका कोई भी काम वगैरह नहीं चल रहा, तो इनका अलग ही ट्रांसफार्मर होता है, अलग ही मोटरें लगी हुई होती है और काफ़ी बड़ी बड़ी पाइपलाइन है, जैसा कि आप ये बोर्ड देख रहे हो। इस हाइट में, मतलब इस इतनी गोलाई में यहाँ पे पाइपलाइनें लगी हुई है जिसका पानी आगे जो डैम बने हुए हैं, यहाँ पे तारानगर में दो डैम बने हुए हैं उनमें स्टोर किया जाता है यहाँ से फिल्टर वगैरह करके, और बाकी जाता है यहाँ से मलसिसर वगैरह, यानी मलसिसर झुंझुनू में पड़ता है तो वहाँ पर जाता है। वहाँ पर तीन चार डैम बने हुए हैं उनमें पानी पूरा का पूरा स्टोर होता है। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं इसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।